25-30 हज़ार रुपये से काम हो जाना चाहिए। 30 हज़ार में ये बाइक हम ले जा सकते हैं? 30 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट देके, इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल यू कैन टेक दिस बाइक। 30 हज़ार लाओ और ये बाइक ले जाओ। बाइक मॉडिफिकेशन एक आर्ट है और उसमें यार राइडो 5 बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तो आज जो आप दो बाइक मेरे सामने देख रहे हो, ये वापस से मैं राइडो 5 के स्टोर पे हूँ। राइडो 5 के स्टोर पे आते ही जो दो स्पार्कलिंग बाइक कह लो, दो बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट बाइक कह लो, वो मुझे मिली है। ये है एक एवेंजर और ये है एक रॉयल एनफील्ड। तो भाई रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई किया गया है, एवेंजर को मॉडिफाई किया गया है और जो मॉडिफिकेशन हुई इतनी लाजवाब है। और इसका अभी मैंने एक राइड टेस्ट भी लिया है, थोड़ा सा छोटा सा राइड, और जो मज़ा आया चला के सबसे ज़्यादा तो एवेंजर। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना स्मूथ ये बाइक चल रही थी। तो आज इन दोनों के बाइक के बारे में आपको बताएंगे पूरी डिटेल, कितने पैसों में बनी है, आपको अगर चाहिए तो कितने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, क्या क्या लगा हुआ एक्स्ट्रा, क्या क्या और लग सकता है, सारी बातें आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SJ व्लॉग्स। सबसे पहले यार बात करेंगे इस एवेंजर के बारे में। तो जैसा कि इसका USP कह लो, इसका सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट कह लो, वो है इसका पेंट। ये जो शाइन मार रहा है जब ये रोड पे चलती है भाई, इतना प्यारा लगता है। रोड पे क्या, खड़ी खड़ी भी इतनी प्यारी लग रही है, मतलब ये समझो कि ऐसे सामने देखो तो अपना चेहरा दिखता है भाई। तो इसके बारे में बताऊँ, सबसे पहले तो इसमें पूरा पेंट जॉब हुआ पड़ा है, टैंक पेंट है, मेरे ख्याल से टैंक चेंज भी है, अलॉयस पेंट है, हैंडल बार का जो बार एंड होता है वो पेंट है, मीटर इसके भाई वही लगे पड़े हैं जो एवेंजर में आती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पेंट की गई है। बाकी और सारी बातें आपको बताऊंगा मयूर भाई के साथ कि क्या क्या चीज़ें हुई है। वैसे मैं आपको बताऊं तो फुट रेस्ट चेंज है और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है। जैसे आप ये लीवर कहते हो, गियर लीवर, ये भाई ऑटो फोल्डेबल जो होता है वो लगा हुआ, ये लगाने का सीधा सीधा मकसद ये है कि इन केस अगर बाइक कभी गिरती है तो ये लीवर टूटे ना, खुद ब खुद फोल्ड हो जाए। तो ये भाई चला के जो मुझे मज़ा आया है, और सबसे बेहतरीन जो इसकी चीज़ थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, वो है इसका साइलेंसर, स्लैश कट साइलेंसर जिसको कहते हैं, और जिसका साउंड भाई A1। कोई कह नहीं पाएगा कि एवेंजर का साउंड, अगर आपने स्टॉक साउंड सुना होगा तो इतना ज़्यादा लाउड, इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता जितना ज़्यादा स्मूथ ये साउंड है। थोड़ा बहुत एक बार आपको बजा के दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं कि कैसी साउंड इसमें आ रही है। इतनी प्यारी साउंड, मतलब कोई नहीं कह पाएगा भाई कि ये एवेंजर है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी रहता है कि क्या राइडो 5 एवेंजर मॉडिफाई करता है, क्या राइडो 5 एवेंजर छोड़ के पल्सर मॉडिफाई करता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडिफिकेशन में आ जाती है, सब कुछ मॉडिफाई हो सकता है। अब इसके बारे में बात करेंगे बाद में, उससे पहले आपको दिखाते हैं वन एंड ओनली एकलव्य। पिछले बार भी मैंने आपको एकलव्य दिखाई थी लेकिन इतनी डिटेलिंग मैंने उस टाइम नहीं दिखा पाया था, पर आज जब मैंने इसको वापस से देखा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था जब ये बाइक तैयार होने वाली थी, जब इसको मैंने वापस से देखा तो मुझे लगा कि यार इसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं। मुझे लगा क्यों, आखिर क्यों उस बार जब मैंने ये बाइक दिखाई थी तो बहुत सारे लोगों को ये बाइक बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। तो अब मैं इसके बारे में बताऊँ, सबसे पहले तो इसका जो टैंक देख रहे हो, ये कस्टमाइज टैंक है, हैंडमेड टैंक है, इसमें भी ये इतना प्यारा कलर आया है, मतलब यार एक होता ना कुछ बाइक से प्यार हो जाता है, ये है वो बाइक। इसका स्टिकरिंग जैसे आप देख लो, ये जो है ये पूरा स्टिकरिंग नहीं है, मतलब आप अगर दूर से देखोगे तो ये लगेगा स्टिकर, लेकिन ये इन मतलब पेंट के अंदर जो पेंट होता है वो पेंट है। सीट के बारे में बात करें तो भाई दो सीट प्यारे प्यारे लगाए गए हैं, एक सीट राइडर के लिए और एक पीछे जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए। हालाँकि थोड़ी सी छोटी है लेकिन फिर भी मतलब समझ लो 8/10 में से 8 पॉइंट तो मिलेगा इसको कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि मैंने इस पर पीछे बैठ के भी देखा है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। टिंटेड, जैसा कि हर बार ही आपको बताता हूँ, टिंटेड इंडिकेटर्स लगे पड़े हैं, पूरी इंजन पेंट हुई पड़ी है, आगे रालको का टायर, पीछे रालको का टायर लगा पड़ा है, अलॉयज इसमें लगे पड़े हैं पर पेंटेड नहीं है अलॉयज। आगे मडगार्ड जो आप देख रहे हो ये भी पेंटेड है, मडगार्ड में भाई कुछ सपोर्ट के लिए भी आप देख लो, ये सपोर्ट का भी पूरा पोर्शन लगा हुआ है। आगे हेडलाइट चेंज है। सबसे प्यारी बात तो आजकल वो लगती है कि जब रॉयल एनफील्ड में डिजिटल मीटर हो जाता है, तो भाई आप देख लो रॉयल एनफील्ड में डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर कुछ बात करूँ तो इसका जो पूरा हैंडल है ये चेंज है, ये एक मॉडिफाइड बुलेट है, इससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था
वो थी मॉडिफाइड एवेंजर। बाइक के अगर पीछे की पोर्शन की बात की जाए तो ये जो आप मडगार्ड देख रहे हो जिसमें सीट इम्प्लीमेंटेड है, और एक चीज़ और इम्प्लीमेंटेड है वो है लाइट, बैक लाइट जिसको कहते हैं। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो सिर्फ ये शो के लिए नहीं है, जब आप ब्रेक लगाओगे तो ये लाइट अभी अंदर LED लगी पड़ी है तो वो ऑन हो जाएगी। पीछे जो नंबर प्लेट देख रहे हो टेल लाइट के साथ साथ इंस्टॉल्ड है, टिंटेड इंडिकेटर जैसा मैंने आपको बताया। तो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गई है, पिछले बार से थोड़ा बहुत हटके है। तो इस बार में जानते हैं कि भाई ये जो इतनी सारी मॉडिफिकेशन की गई है इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें पैसे कितने लगेंगे, और क्या अगर कोई बाइक समेत अगर इसको लोन पे लेना चाहे तो क्या लोन पे मिल सकती है, और अगर मिलती है तो कितने पैसों में मिलेगी, कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, सारी बातें आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा राइड ऑफ आई के अध्यक्ष मयूर वाधवानी जी को। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? बस हम भी बढ़िया। सर हमने बता दी आपके दोनों बाइक की सारी बातें, लेकिन अब जानना ये है कि क्या अब भी मतलब पिछले टाइम की तरह अब भी राइड ऑफ आई लोन प्रोवाइड कर रही है, ऑल इंडिया डील कर रही है, NOC वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रही है? देखिए हम दिल्ली जो पॉपुलेशन है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए हम लोन प्रोवाइड करते हैं, बोले तो दिल्ली NCR के लिए, और नियर बाय भी कुछ हैं प्लेसेस एक दो जो दिल्ली के नियर अबाउट हैं उनके लिए भी करते हैं, मेरठ वगैरह, लेकिन आसपास ही होता है। अदरवाइज अगर आप ऑल इंडिया की बात करें तो अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई बाइक लेना चाहता है तो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया फैसिलिटी अवेलेबल है। हम NOC करा के उसको बाइक दे सकते हैं, या अगर मॉडिफिकेशन भी कराना चाहता है तो बाइक पिकअप करा सकते हैं, मॉडिफाई करके उसको घर पे डिलीवर भी कर सकते हैं। अपने पास मॉडिफिकेशन कितने से नॉर्मल मॉडिफिकेशन जो बाइक हमारी आए उसमें कुछ ऐसा लगे कि हाँ जब वापस जाती है तो बदल के जाती है कुछ अलग यूनिक सा, इसका पैकेज कितने से स्टार्ट हो जाता है? 20,000 रुपए से देखो पैकेज शुरू हो जाता है, ठीक है, विच विल इंक्लूड कि आपका टैंक मडगार्ड्स पे पेंट हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हो गई, तो आपके ऑब्वियसली बाइक बदल ही जानी है। ठीक है, पेंट की बात हो गई है तो इस बाइक में जो आपने पेंट किया है इसका अगर मान लो कोई और अपने बाइक पे पेंट कराना चाहे तो टोटल कॉस्ट क्या निकला? देखिए तकरीबन 35,000 रुपये में पूरी बाइक हाइड्रोक्रोम जैसे आप ये देख रहे हो, इंजन वगैरह सब कुछ। हाँ इंजन। ये बाइक फॉर सेल है? दिस बाइक इज फॉर सेल। क्या प्राइस लगा? 1,30,000 में ये बाइक फॉर सेल है, इंक्लूडिंग बाइक मॉडिफिकेशन प्लस बाइक मॉडिफिकेशन। 1,30,000 में ये बाइक फॉर सेल है, लेकिन अगर मान लो मुझे लोन पे लेना है तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा दिल्ली वालों के लिए? तकरीबन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो 25-30,000 विल डू, 25-30,000 रुपये से काम हो जाना चाहिए। 30,000 में ये बाइक हम ले जा सकते हैं? 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट देके इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल यू कैन टेक दिस बाइक। 30,000 लाओ और ये बाइक ले जाओ। इसी तरह से ये बात कर लेते हैं फिर इस बाइक में क्या कितना पैसा लगाया है? देखिए इसमें टोटल मॉडिफिकेशन की जो कॉस्ट रहती है लगभग 1,65,000 रुपये के आसपास रहती है। ठीक है, विच आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि यार हमारी मॉडिफिकेशन की एक प्रॉपर रेट लिस्ट बनी हुई है जो मेरे को बाय हार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक टेंटेटिव प्राइसिंग बता सकता हूँ। अगर आप एकदम एग्जैक्ट प्राइस पता करना चाहते हो कि हमारा एग्जैक्ट प्राइस क्या है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर नंबर एंड वी शैल कॉल यू बैक। भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नंबर डालो, भाई साहब कॉल करेंगे खुद से, आपको सारा मॉडिफिकेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इस बाइक का प्राइस सब कुछ बताया जाएगा। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर आप लाइक करें इस वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको दबा दो ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। बाइक से रिलेटेड, राइड ऑफ आई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है मयूर सर, राइड ऑफ आई का इंस्टाग्राम हैंडल RideOfAI.IN, तो भाई आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी कर लेना। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट से, तब तक के लिए बाय।